मंदसौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और पूर्व कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन के समर्थक दोनों आमने सामने हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हुई। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी भगाओ के नारे भी लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में विद्रोह का सियासी ब्लास्ट। मंदसौर में आमने सामने हुए कांग्रेसी सिंधिया समर्थक और मीनाक्षी समर्थकों में हाथापाई। मीनाक्षी भागो के लगाए नारे। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस ने सरकार बना ली हो, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस बिखरने लगी है, टूटने लगी है और गुटों में बटने लगी है। जी हाँ, मंदसौर में जिस किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, उसी मंदसौर में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और 4 में से 3 विधानसभा हार गई। यही वजह है कि अब मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बगावत हो गई और कांग्रेस कार्यालय में ही सिंधिया गुट और राहुल के करीबी मीनाक्षी नटराजन गुट के कार्यकर्ताओं में टकराव हो गया। आलम यह रहा कि एक दूसरे पर हाथापाई कर डाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी भगाओ के नारे तक लगा दिए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रही थी। इस दौरान सिंधिया समर्थकों ने मीनाक्षी पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। एक कार्यकर्ता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जबकि आरोपी इस बात से इनकार कर रहा है। जब मीटिंग चल रही थी, हमारे नेता मीनाक्षी जी मिल रहे थे, तब मैं वहाँ पीछे खड़ा था। तब पीछे से आके अचानक एक व्यक्ति ने आके पीछे से वार किया, पीछे से मारा उसने। वो मारपीट कर रहे थे, खाली गलोच कर रहे थे और बोले कि गदार हुआ, ऐसा करके उन्होंने मारा। नंद किशोर पाटीदार करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने मारी। आपसी विवादों के चलते, जबकि चुनाव के समय में यहाँ नहीं था, मैं मना संविधान सभा क्षेत्र में था, कह रहे थे गदार हुआ, ऐसा है कुछ भी नहीं है, सब आरोप होते हैं। हमारे नेता के सामने हम हमारी बात रखेंगे, बताएं हमारी नेता न्याय करेगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को पता है, मैं तो बाद में आया, मैंने कोई लड़ाई करी, ये सरासर गलत है। मैं तो घंटा भर हुआ तो मैं तो बाद में पता चला कि कोई लड़ाई हुई या फिर हुई हो तो मुझे पता नहीं। वहीं बड़े नेता मंदसौर के कांग्रेस की हार को भीतरघातियों का खामियाजा बता रहे हैं और दोषी कार्यकर्ताओं पर पार्टी के संविधान के मुताबिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिला कांग्रेस में मीनाक्षी जी आई हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही है। अब जिन लोगों ने पार्टी विरोधी कार्य करा था, जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता, उनका स्वाभाविक आक्रोश है, वो व्याप्त हो गई थी, वो आक्रोश था। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जिन लोगों ने तन मन धन से पोलिंग स्तर पर जाके काम करा है, उनका सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए और कांग्रेस करनी चाहिए। और जिन लोगों ने कांग्रेस संगठन में रह के, पद पे रहकर और कांग्रेस से हासिल करके अगर उन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम करा है, तो उन पर पार्टी संविधान के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, आज की मीटिंग के बारे में मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं दिल्ली था, मैं सुबह ही आया हूँ और मुझे मालूम पड़ी कि कांग्रेस कार्यालय में कोई मीटिंग एक्से में भी चला आया। यहाँ आके देखा कि मीनाक्षी जी आई हैं और मीनाक्षी जी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर ये रोष था कि वो कमरे में बैठ के क्यों मिल रही है, बाहर क्यों नहीं मिल रही है। उनका ये कहना था कि कुछ लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं मिल रही हूँ।
वो अपनी जगह सही है, कार्यकर्ता अपनी जगह सही है। मीनाक्षी जी ने सभी कार्यकर्ताओं के सबों के सामने ये कहा कि जो शिकायत प्राप्त करी और पहले बार सारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने करी है, इसलिए मैं खुद उसकी अनुशंसा करके और प्रदेश कांग्रेस के भेजूंगी कि इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आईं और पार्टी फोरम पर बात रखने की कह रही हैं। सबसे पहले तो हम सबसे बातचीत करेंगे और उनकी जो अपने अपने एरिया में जो उनकी ओर से उनको लगता है वो अपने अनुभव साझा करेंगे और उसी के लिए आज की ये बैठक। मेरे पास फिलहाल अभी तक किसी उनकी कोई शिकायत नहीं है और मैंने जैसा आपसे कहा पार्टी फोरम के भीतर की बातों के विषय में मैं मीडिया में टिप्पणी करना उचित नहीं, वो सब पार्टी फोरम के भीतर की बात है, वो मीडिया के जरिए बाहर बात करने वाली बात है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों के बीच आए इस विवाद ने कांग्रेस को एक बार फिर मुश्किल में खड़ा कर दिया है, जिससे गुटबाजी साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मंदसौर।